Welcome to my channel. I hope you're doing well. So today I'm going to review a new launch product by Lakme Cosmetics. So this is the Lakme Facelift Multi-Slayer Cover Stick. Now this is a new launch product of Lakme. They launched a stick foundation. It's multi-use. You know, as a concealer, as a foundation, you can use it. And there are 6 shades launched. तो आप अपने अकॉर्डिंग अपना शेड ले सकते हो. बहुत ही लाइट वेट है ये गाइस, एंड ऑल स्किन टाइप्स वालों के लिए. यू नो दिस इज अ फाउंडेशन इन अ स्टिक, स्टिक फॉर्म में है ये. बहुत इजीली यूज हो जाता है, यू नो ट्रेवल फ्रेंडली है, और आप इसको बहुत बिल्डेबल कवरेज है इसका. अभी मैं आपको शो करती हूँ. तो दिस इज हाउ द पैकेजिंग लुक्स लाइक. ब्लैक कलर का कार्डबोर्ड बॉक्स है ये, आप देख रहे हो यहाँ पे, और गोल्डन कलर से लिखा हुआ है लैक्मे. दिस इज अ शो स्टॉपर कलेक्शन फेसलिफ्ट मल्टी स्लेयर कवर स्टिक, एंड यहाँ पे लिखा हुआ है हाउस ऑफ लैक्मे. आप देख सकते हो ना यहाँ पे. मैंने इसमें शेड लिया है न्यूट्रल मीडियम 220. एज यू कैन सी द शेड इज ऑलरेडी रिटन ओवर हियर, न्यूट्रल मीडियम. और ये शेड ना परफेक्टली मेरी स्किन टोन से मैच होता है. मतलब लैक्मे का जो 9 to 5 वाला लिक्विड फाउंडेशन आता है ना, उसमें भी मेरा शेड न्यूट्रल मीडियम ही है. मैंने उसे अकॉर्डिंग मंगवाया था, और थैंक गॉड कि वो मेरी स्किन टोन से बिल्कुल ही परफेक्टली मैच हो गया है. और बहुत ही फ्लॉलेस लुक मिलता है आपको, बिल्कुल यू नो नेचुरल मेकअप मैट फिनिश मिलती है आपको. तो यू कैन सी यहाँ पे इसकी डिटेल्स मैंशनड है सारी एट द बैक ऑफ इट, एंड इसका प्राइस, क्वान्टिटी एंड एवरी थिंग इज जस्ट रिटन ओवर हेयर. और यहाँ पे लिखा है स्वाइप ब्लेंड एंड स्ले, तो आप जस्ट स्ले कर सकते हो इसको. बहुत प्यारा है ये. मैं आपको रीड करके बताती हूँ क्या लिखा हुआ है. गेट रेडी टू पेंट द टाउन फैबुलस विद द मल्टी स्लेयर कवर स्टिक्स. लाइटवेट है, इजी टू ब्लेंड है. दिस परफेक्ट ऑन द गो वंडर ट्रांसफॉर्म्स योर फेस, लीविंग यू विद अ नेचुरल इवन फिनिश. स्टे फ्लॉलेस, स्ले थ्रू द डे. और लिखा है आपको किस तरह से यूज करना है. और यहाँ पे आप देख सकते हो उसकी प्रोडक्ट क्वांटिटी एंड यू नो प्राइस एंड एवरीथिंग इज मेंशन्ड. सो इट्स प्रोडक्ट क्वांटिटी इज 11 ग्राम एंड इट्स प्राइस इज 899 रुपीज. और 3 इयर्स इसकी शेल्फ लाइफ है, मतलब 2023 में बना है, 2026 तक आप इसको फिनिश कर सकते हो. वैसे उससे पहले ही फिनिश हो जाता है, क्योंकि जिनको फाउंडेशन बहुत पसंद है ना, तो फिर वो तो यूज हो ही जाते हैं. एंड परफेक्ट है, अगर अच्छा सा स्टिक फाउंडेशन ट्राई करना चाहते हो तो आप इसको ट्राई कर सकते हो. अभी मैं इसका आपको डेमो भी दूंगी आगे. लेट्स ओपन इट. सो यू कैन सी इस तरह से स्टिकर लगा हुआ है, इसको ओपन करते हैं. और बहुत अच्छा फाउंडेशन, आई रियली लव्ड इट. बहुत ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग है ये, नेचुरली फ्लॉलेस लुक मिल जाता है. आप देख सकते हो इस तरह से पैकेजिंग में आया है, काफी प्रीमियम पैकेजिंग करी है. इस तरह से देख रहे हो, प्लास्टिक का कवर उसके अंदर आया है. एंड दिस इज द प्रोडक्ट गाइज, दिस इज द हीरो प्रोडक्ट. यू कैन सी हाउ ब्यूटिफुल एंड हाउ क्यूट द पैकेजिंग इज. आप देख सकते हो इस तरह से ब्लैक कलर का है ये, स्टिक फॉर्म में, और मैट फिनिश है. आप देख रहे हो डिटेलिंग कितनी प्यारी है ये. देखो यहाँ पे कितना प्यारा बना हुआ है, और यहाँ पे भी गोल्डन कलर से लिखा हुआ है लैक्मे. ये जो ब्लैक पे गोल्डन लिखा है ना, इट्स माइंड ब्लोइंग. बहुत प्यारा लग रहा है. और इसके पीछे लिखा हुआ है मल्टी स्लेयर कवर स्टिक. मल्टी लेयर है, मीन्स मल्टीपल बेजर्स को यूज करने के. ड्रॉ भी कर सकते हो, डिफाइन कर सकते हो अपने फेस को, यू नो स्कल्प्टेड दिखा सकते हो, और कंसील भी कर सकते हो. और यहाँ पे भी इसकी चिट लगी हुई है, आप देख रहे हो. यहाँ पे भी शेड नेम लिखा हुआ है इसका, न्यूट्रल मीडियम. और इसकी प्रोडक्ट क्वांटिटी, शेल्फ लाइफ, एवरीथिंग इज मेंशन. कि अगर आपका आउटर बॉक्स खो जाता है तो आप यहाँ से देख सकते हो आराम से कि शेल्फ लाइफ क्या है, मतलब कब आपका प्रोडक्ट एक्सपायरी हो रहा है. ठीक है, तो अब इसको देखते हैं. बहुत प्यारा है और बहुत ट्रेवल फ्रेंडली पैकेजिंग है. देख लो कितनी क्यूट है, इजिली आप इसको कैरी कर सकते हो अपने क्लच में, मेकअप पाउच में, यू नो बहुत प्यारा है. नाउ लेट्स ओपन इट. सो आई विल ओपन इट. अब देख रहे हो इसमें लिड लगी आई है, खराब नो मीन्स कैप पे ना लगे अंदर. तो आप लिड लगा के इसको क्लोज कर सकते हो. नाउ लेट्स ओपन द लिड. इस तरह से ये ओपन हो जाएगी, और ये रहा आपका प्रोडक्ट. वेरी नाइस, बहुत ही उन्होंने इनोवेटिव थिंकिंग करी है. नाउ लेट्स ओपन इट. तो इसको ट्विस्ट ओपन करेंगे इस तरह से, एंड द प्रोडक्ट विल कम आउट. सो दिस इज 11 ग्राम प्रोडक्ट क्वांटिटी, तो काफी अच्छी डिसेंट क्वांटिटी मिल रही है आपको. नाउ लेट्स जल्दी इसको बंद कर देते हैं, वरना ये ब्रेक हो जाएगा. So you can see this is the shade. और fair to medium skin tones के लिए बहुत अच्छा shade है ये, आपकी skin पे अच्छी तरह जाएगा ये. Now I'll show you the hand spots and then after that इसकी मैं आपको demo भी देती हूँ. So you can see one stroke application, आप देख रहे हो मेरी skin tone से perfectly match है यार. I'm so happy. मैं सोची थी कभी you know बहुत ज़्यादा light या dark ना हो, पर बहुत अच्छा है यार. तो यू कैन सी मैं इसको थोड़ा सा और बिल्डअप करती हूँ. और बिल्डेबल फॉर्मूला है, यू नो उसका कवरेज काफी अच्छा है. देख रहे हो मीडियम टू हाई कवरेज है.
स्किन केक ही नहीं होगी। और इसका टेक्सचर बहुत ही ज्यादा स्मूद है, सॉफ्ट है, यू नो वेलवेटी क्रीमी टेक्सचर है। एंड यू कैन सी कितनी अच्छी तरह ब्लेंड हो रहा है, मैं इसे फिंगर से ब्लेंड कर रही हूँ, आराम से ब्लेंड हो रहा है। आप इसको ब्यूटी ब्लेंडर से भी ब्लेंड कर सकते हो या फिर यू नो फाउंडेशन ब्रश से भी ब्लेंड कर सकते हो। इट ब्लेंड सीमलेसली गाइज, एंड यू कैन सी जितनी भी आपकी इम्परफेक्शन है सबको हाइड कर देगा। एक्ने मार्क्स हैं, ब्लेमिशेज हैं, डार्क स्पॉट्स हैं जिनकी अनइवन स्किन टोन है, वो सबको कवर कर देगा। एंड यू कैन सी द डिफरेंस हेयर एंड हेयर, आप देख सकते हो कितना फ्लॉलेस मेकअप बेस बनता है। एंड दिस इज वेरी वेरी लॉन्ग लास्टिंग, यू नो थ्रू आउट द डे आपके फेस पे रहता है ये। अगर आपकी बहुत ज्यादा ऑयली स्किन है तो आप यू नो टचअप कर सकते हो कॉम्पैक्ट पाउडर से, वरना नीड नहीं है। मुझे तो बहुत प्यारा लगा है, रियली आई लव दिस फाउंडेशन। मुझे लैक्मे का परचेज भी करना था, मैं सोच रही थी लिक्विड वाला लूँ पर ये वाला लॉन्च हो गया, तो आई बॉट दिस वन ओनली। एंड दिस वेरी नाइस फाउंडेशन गाइज, टेबल कवरेज है और हाई कवरेज चाहिए तो आप इसको और अप्लाई कर सकते हो, तो आपको और ज्यादा कवरेज मिल जाएगा। बहुत लाइट है आपकी स्किन पे, वेरी कंफर्टेबल टू वेयर एंड यू नो वेरी लॉन्ग लास्टिंग एज वेल। थ्रू आउट द डे इट विल स्टे ऑन योर फेस एंड आप यू नो इसे एज अ कंसीलर भी यूज कर सकते हो। एंड इट हैज अ वेरी यू नो बहुत हल्की सी इसमें फ्रेग्रेंस है, बहुत माइल्ड सी, विच गोज अवे आफ्टर सम टाइम। एंड आफ्टर यूजिंग दिस यू कैन यू नो जस्ट पुट द लिड ओवर हेयर, इस तरह से लिड लगाओगे इसको और उसके बाद में आप इसका कैप लगाओगे, तो इससे ये होगा ना कि आपका प्रोडक्ट यहाँ नहीं लगेगा, तो आपका कैप भी खराब नहीं होगा, प्रोडक्ट भी वेस्टेज नहीं होगा। सो इट्स वेरी डिसेंट पैकेजिंग। आई किस तरह यूज करना है, पहले आपने अपनी स्किन को प्रेप करना है, यू नो पहले प्राइमर लगाना है अच्छे से, उसके बाद में इस फाउंडेशन को डायरेक्टली या तो आप यू नो स्टिक फॉर्म में या तो ऐसे भी अप्लाई कर सकते हो अपनी स्किन पे यू नो, और या फिर आप अपने हैंड पे लेके भी अप्लाई कर सकते हो। इसे फिंगर से ब्लेंड करो, स्पंज से ब्लेंड करो या फिर यू नो फाउंडेशन ब्रश से ब्लेंड करो, इट्स योर विश, इट्स योर चॉइस। पहले मैंने यूज किया लैक्मे का मेकअप प्राइमर। अपनी स्किन को प्रेप करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है कोई सा भी फाउंडेशन लगाने से पहले, उससे आपका मेकअप जो लगता है ना बहुत फ्लॉलेस बेस बन जाता है एकदम से और लॉन्ग लास्टिंग भी बनता है। उसके बाद में मैंने ये लैक्मे की फाउंडेशन स्टिक लिया, आप देख रहे हो इस तरह से, ये वाला शेड है न्यूट्रल मीडियम 220 और इस तरह से स्टिक फॉर्म में आता है। मैं इसी से डायरेक्टली यू नो अपने फेस पे इस पर स्वाइप कर रही हूँ, आप चाहो तो इसे यू नो अपने हैंड पे लेके भी कर सकते हो, पर ये देखो आप इसी तरह स्टिक फॉर्म में है तो ईजिली आप इसको यू नो अपने फेस पे लगा सकते हो। और मैं इसे फिंगर से ही ब्लेंड कर रही हूँ, पता है फिंगर से बहुत सीमलेसली ब्लेंड होता है। यू कैन ऑल्सो यूज ये मेकअप स्पंज या ब्रशेज, बट मैं आपको रिकमेंड करूँगी आप फिंगर से ब्लेंड करो, बहुत फ्लॉलेसली ब्लेंड हो रहा है। आप देख रहे हो कितनी अच्छी फिनिश आ रही है, बिल्कुल नेचुरल फिनिश मिलती है एंड बहुत ईजी टू ब्लेंड है और बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग भी है। यू कैन सी हाउ फ्लॉलेसली, और इस तरह से मैं डैप डैप करके अपनी फिंगर से ही ना इसको पूरे फेस पे ब्लेंड कर दूंगी। देखो अच्छी तरह ब्लेंड हो रहा है, बिल्कुल मक्खन की तरह, इट्स सो क्रीमी, सो क्रीमी, बिल्कुल भी पैचेस नहीं बनते, बिल्कुल पैचेस स्किन नहीं लगती है आपकी और इवन आउट कर देता है आपकी स्किन को। आप देख रहे हो उसी से मैं अपनी आईज़ पे भी ब्लेंड कर रही हूँ और मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा। आप एक बार ज़रूर ट्राई करना, आपको बहुत अच्छा फील होगा। ये फाउंडेशन बिल्कुल भी हैवी नहीं है, यू नो आपके फेस पे बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है। यू कैन सी आई एम जस्ट लविंग द फिनिश। और अब मैं इसको एज अ कंसीलर भी यूज़ कर रही हूँ अपने अंडर आइज़ में और माउथ के अराउंड में और हल्का सा यू नो यहाँ पे भी कॉर्नर्स में भी मैं इसको अप्लाई कर लूँगी। आप देखो इस तरह से, और इसको भी मैं फिंगर से ही ब्लेंड कर रही हूँ ताकि थोड़ा सा मुझे यहाँ पे ना अंडर आइज़ वगैरह में थोड़ा सा और कवरेज चाहिए होता है। ये मीडियम टू हाई कवरेज है और इतना कवरेज इनफ है, थोड़ा सा कंसीलर के लिए भी जगह मैंने इसको यूज़ कर लिया है और इसने काफ़ी अच्छा वर्क किया है। अगर आप चाहो तो इसके बाद में आप इसको अपने ना कॉम्पैक्ट पाउडर से या लूज़ पाउडर से सेट कर सकते हो, वरना ऐसे भी बहुत अच्छी फिनिश आ रही है, वेरी गुड। I hope you like the video and if you like the video then please subscribe to my channel, like भी कर दीजिएगा। इसी तरह मैं न्यूली लॉन्च प्रोडक्ट्स के यू नो रिव्यू करती हूँ, आप मेरे चैनल पे जाके और भी रिव्यूज चेक कर सकते हो, और फाउंडेशंस के यू नो मेकअप प्रोडक्ट्स के, स्किन केयर के और हॉल वीडियोस, और मैंने लैक्मे की भी काफी फाउंडेशन के रिव्यू करे और एक शुगर का फाउंडेशन स्टिक आता है उसका भी मैंने रिव्यू करा, यू कैन चेक दैट एज इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।